Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science Statics and today topic is about nude mice. Nude mice जो है एक animal biotechnology का important topic है और इसके बारे में आज हम detail discussion करेंगे. यहाँ से बहुत से question पूछे जाते हैं, DBT का exam हो या CSR में भी पूछे जाते हैं, गेट बायोटेक में भी इससे related question जो अब पूछे जाते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. Nude mice is first deficient mice which helped in study of various human disease. Nude mice जो था ये पहला deficient mice था जिसकी help से हमने human की various disease के ऊपर studies की थी. जो researcher थे जिन्होंने disease के बारे में study करना था उसका जो first experiment किया गया था वो nude mice के ऊपर किया गया था और ये mainly use किया जाता है cancer की study के लिए. Next, a nude mouse is a strain in which thymus is absent or non-functional due to spontaneously genetic mutation in FOXN1 gene. Nude mice जो होता है ये एक strain जो है इसमें क्या होता है कि thymus जो होता है ना वो completely absent होता है और non-functional होता है. किस वजह से? जो उसमें spontaneously genetic mutation हुई होती है FOXN1 जीन के ऊपर जो म्यूटेशन होती है उसकी वजह से क्या होता है थाइमस जो होता है इसमें एब्सेंट होता है. दीज आर हेयरलेस फ्रॉम बर्थ. ये जो माइस होता है वो बर्थ से ही हेयरलेस होता है. ए थाइमिक, ए मीन्स एब्सेंट, थाइमिक मीन थाइमस. ए थाइमिक न्यूड माइस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय फ्लैंगन इन 1996 इन यूके हु नेम्ड द विजुअल लैक ऑफ हेयर ट्रेड प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम 11. जो हेयर लैक ऑफ हेयर ट्रेड प्रेजेंट होता है वो किस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम 11 के ऊपर. तो जो ये फर्स्ट रिपोर्टेड किया गया था लैक न्यूड माइस के बारे में कि ये ए थाइमिक है एंड इसमें हेयर प्रेजेंट किस क्रोमोसोम में जो होते हैं हेयर ट्रेड जो होता है वो प्रेजेंट होता है वो फ्लैंगन ने किया था 96 में इन यूके. एवरीवेटेड एज न्यू एंड स्लैश न्यू 4 जीन दिस वॉज अपडेटेड टू HFH11 new are abnormal hair growth and defective development of thymic epithelium. अब एवरीवेट जीन के लिए जो एवरीवेशन इस जीन के लिए न्यूड माइस के लिए जो एवरीवेटेड किया गया था जिस फॉर्म में उसको लिखा गया था NU लेकिन ये अपडेटेड की गई है इसको HFH11 new की फॉर्म में लिखा जाता है. ये जो होता है वो अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ के लिए होता है और डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ थाइमिक एपिथेलियम के लिए होता है. होमोजाइगस न्यूड माइस लैक टी सेल. जो होमोजाइगस नॉट हिट्रोजाइगस ये याद रखना है. ये स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ लिया जा सकता है कि हिट्रोजाइगस है या होमोजाइगस. तो होमोजाइगस न्यूड माइस लैक टी सेल इसमें क्या होता है टी सेल टी हेल्पर सेल या टी साइटोटॉक्सिक सेल जो प्रोड्यूस होते हैं टी सेल के थ्रू वो एबसेंट होते हैं एंड सफर फ्रॉम ए लैक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. और जिसकी वजह से ये जो माइस होता है वो सफर कर रहा होता है कि इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रेजेंट नहीं होती जिससे टी हेल्पर सेल की प्रोडक्शन होती है वो इम्यूनिटी इसमें प्रेजेंट नहीं होती. मींस ये टी हेल्पर सेल जो होती है इम्यूनिटी जो होती है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता. होमोजाइगस न्यूड माइस शो पार्शियली डिफेक्टिव इन बी सेल डेवलपमेंट. ये टी सेल तो इसमें कम्प्लीटली एबसेंट होते हैं लेकिन जो बी सेल की डेवलपमेंट होती है वो पार्शियली डिफेक्टिव डेवलपमेंट शो करता है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसके कुछ करेक्टर देखते हैं जिसमें से बहुत बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा विच वन इज ट्रू और नॉट. ठीक है, तो फर्स्ट इज दे डू नॉट हैव ए थाइमस सो दे कैन नॉट जनरेट मेच्योर टी लिम्फोसाइट्स. ये मैंने आपको क्लियर कर दिया लास्ट स्लाइड में कि इसमें थाइमस जो होता है वो एब्सेंट होता है. इस वजह से वो क्या करते हैं जो टी लिम्फोसाइट है मेच्योर टी लिम्फोसाइट उनको जनरेट नहीं करते हैं. सेकंड जो है वो यूज एज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल मॉडल इन कैरियर कैंसर रिसर्च. ये फर्स्ट मॉडल था जो न्यूड माइस है वो फर्स्ट मॉडल था जिसको कैंसर की स्टडी के लिए रिसर्चर ने यूज किया था. ड्यू टू इम्यूनो डेफिशिएंस एंड एबिलिटी टू टॉलरेट कैंसर जीनोग्राफ्ट ए थाइमिक न्यूड माइस रिप्रेजेंट ए वाइडली यूज म्यूरिन मॉडल फॉर इंड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर. ये जो होता है ये यूनिक और बहुत अच्छा मॉडल है
कि वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर की स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये इम्यूनो डेफिशिएंसी होता है और इम्यूनो डेफिशिएंसी अगर इसमें होगी तो ये इम्यून सेल की प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, और अगर इम्यून सेल की प्रोडक्शन नहीं होगी तो हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी में कैंसर सेल है उनको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा और वो हमारी बॉडी सॉरी हमारी नहीं माउस न्यूर माइस की बॉडी में रहेंगे, क्योंकि इम्यूनो डेफिशिएंसी है और जब उसकी बॉडी में ये सेल्स रहेंगे तो उनकी डीपली स्टडी की जा सकती है। ये रिसर्चर जो है वो स्टडी करते हैं वेरी इंड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर की स्टडी करते हैं इस माइस के ऊपर, क्योंकि ये इम्यूनो डेफिशिएंसी होता है, टी सेल्स जो होते हैं इसमें अब्सेंट होते हैं। द जेनेटिक बेसिस ऑफ न्यूर माउस म्यूटेशन इज ए डिस्ट्रप्शन ऑफ फॉक्स N1 जीन। जो जेनेटिकली बेसिस पे न्यूर माउस की म्यूटेशन देखी गई है जिसकी वजह से इम्यूनो डेफिशिएंसी होते हैं, वो मेनली किसकी वजह से होती है, जो फॉक्स N1 जीन होता है वो डिस्ट्रप्शन होगी होती है उस जीन की, उस वजह से कॉज करती है इसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, द नेक्स्ट इज दे डू नॉट जनरेट मेच्योर टी लिम्फोसाइट, देयर फॉर दे आर अनेबल टू म्यूट मैनी मेंटेन हो गए यहाँ पे मैनी टाइप ऑफ अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस। इसमें टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जनरेट नहीं कर सकता, तो इसकी वजह से ये अनेबल होता है, कुछ चीज़ों को नहीं कर सकता। इस म्यूट माउस के केस में कुछ चीज़ें जो होती है वो नहीं मेंटेन हो सकती या नहीं वो उसका रिस्पॉन्स शो कर सकता है। कौन कौन सी चीज़ें जो ये म्यूट माउस जो है वो शो नहीं कर सकता, अनेबल होता है उन चीज़ों को शो करने के लिए, अडेप्टिव रिस्पॉन्स या उनके रिस्पॉन्स को शो करने के लिए अनेबल होता है, नहीं रिस्पॉन्स कर सकता। एंटीबॉडी फॉर्मेशन दैट रिक्वायर्ड C4 हेल्पर टी सेल, एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं कर सकते क्योंकि एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए हमें टी हेल्पर सेल की ज़रूरत होती है, और जबकि टी हेल्पर सेल कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, टी लिम्फोसाइट से, और टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो न्यूड माउस में लैक होता है या जनरेट नहीं कर सकता। तो अगर टी लिम्फोसाइट नहीं होंगे तो टी हेल्पर सेल नहीं बनेंगे, और जब टी हेल्पर सेल नहीं बनेंगे तो जो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन है वो भी नहीं होगी। क्लियर। आगे CMI, इसकी फुल फॉर्म है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स विच रिक्वायर्ड CD4 हेल्पर टी सेल। अब सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी ये शो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसके लिए भी टी हेल्पर सेल की ज़रूरत होती है, और टी हेल्पर सेल नहीं फॉर्म होंगे क्योंकि टी लिम्फोसाइट एब्सेंट होते हैं कम्प्लीटली। नेक्स्ट है ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन रिक्वायर्ड बोथ CD4 एंड CD8। जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होते हैं उसके लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है, CD4 भी एंड CD8 भी, और ये दोनों चीज़ें कहाँ से फॉर्म होती है, टी लिम्फोसाइट से, और टी लिम्फोसाइट अगर न्यूड माउस में लैक है तो टी CD4 एंड CD8 की प्रोडक्शन भी नहीं होगी, और जिस वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन भी नहीं कर सकते, मतलब ग्राफ्ट रिजेक्शन भी ये नहीं कर सकता, इस वजह से इस न्यूड माउस में किसी भी हम डिसीज या कैंसर की स्टडी कर सकते हैं। ग्राफ्ट रिजेक्शन वैसे जैसे कोई ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है हमारी बॉडी में, तो अगर हमारी बॉडी उस ऑर्गन को नहीं एक्सेप्ट कर सकती, एग्जाम्पल अगर किडनी को ले जाए, अगर हमारी बॉडी में किडनी जो है वो फेलियर हो जाए किडनी का, और हमें किडनी की ट्रांसप्लांट करवानी हो, तो हम किसी डोनर से अपनी किडनी को रिप्लेस करवाते हैं। जब हम उस अपनी किडनी को रिप्लेस करवाते हैं किसी डोनर से, तो वो जो होती है वो हमारी बॉडी में एक एंटीजन की तरह आती है, क्योंकि वो बाहर से किसी अदर पर्सन की बॉडी से लिए ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी में रिप्लेस किया जाता है, तो वो एंटीजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है तो उस एंटीबॉडी की प्रोडक्शन से वो जो हमारी बॉडी है वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट भी कर सकती है, एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो प्रॉपरली हमारी बॉडी में वर्क नहीं करेगा, वो उस बॉडी में इस थ्रू होता है, क्योंकि जो CD4 एंड CD8 है वो टी लिम्फोसाइट है, और ये हेल्पर सेल है इम्यूनिटी या एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से रिजेक्शन शो होती है, रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ न्यूड माउस के केस में टी लिम्फोसाइट नहीं होते तो CD4 एंड CD8 की प्रोडक्शन भी नहीं होगी, और जिसकी वजह से वो ग्राफ्ट रिजेक्शन भी नहीं, मतलब हमें इसकी बॉडी में कोई भी एंटीजन, कोई भी डिसीज या कोई भी कैंसर का इंजेक्ट करेंगे तो वो उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि इसमें जो होती है वो इम्यूनिटी जो होती है वो इम्यूनो डेफिशिएंट होता है ये। ठीक है, जिस वजह से हम इसके ऊपर वेरियस कैंसर या डिसीज की स्टडी करते हैं। एबसेंस ऑफ टी सेल प्रिवेंट न्यूड माइस फ्रॉम रिजेक्टिंग नॉट ओनली एलोक्राफ्ट बट दे कैन नॉट इवन रिजेक्ट जीनोक्राफ्ट।
अब एलोग्राफ्ट क्या होता है, एलोग्राफ्ट क्या होता है, एलोग्राफ्ट जो होता है मतलब एक सेम स्पीशीज में ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन करना, मींस ह्यूमन टू ह्यूमन, मींस ये एक ह्यूमन, सॉरी सेकंड, ये एक ह्यूमन है और ये सेकंड ह्यूमन है। अब ह्यूमन ह्यूमन क्या है, सेम स्पीशीज है, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को अपना ऑर्गन डोनेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल किडनी, किडनी एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को किडनी डोनेट कर सकता है, बट ये किस केस में होता है, सेम स्पीशीज होनी चाहिए। मतलब अगर ह्यूमन है, ह्यूमन ह्यूमन की स्पीशीज होनी चाहिए, ह्यूमन का ले लिया और अपने मान लीजिए कोई भी एनिमल ले लिया, आप उसको बोलोगे कि ये ट्रांसप्लांटेशन होगी तो वो नहीं होगी, क्योंकि वो सेम स्पीशीज में होनी चाहिए। एंड जीनोग्राफ्ट होती है कि ये अनदर स्पीशीज के भी ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं, ह्यूमन टू मान लीजिए कोई एनिमल ले लिया, ह्यूमन की ट्रांसप्लांटेशन उसमें करवा सकते हैं, वो होती है जीनोग्राफ्ट। और एलोग्राफ्ट जो होती है वो सिर्फ सेम स्पीशीज में ही ट्रांसप्लांटेशन होती है। तो जो न्यूड माइस है वो रिजेक्शन नहीं शो करता जीनोग्राफ्ट के केस में भी और एलोग्राफ्ट के केस में भी। रिजेक्शन आपको समझ आ गया होगा ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होती है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये इसके कुछ करैक्टर थे। यहाँ पे क्या होता है कि स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको यही पूछ लिया जाएगा कि बी सेल या टी सेल में से कौन सा सेल जो होता है वो न्यूड माइस में एबसेंट होता है, ये जिसकी वजह से वो लैक होता है अपना, वो अपनी बॉडी में नहीं शो कर सकता उसकी वजह से। या ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होती है वो माउस नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, किस वजह से नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें CD4 एंड CD8 जो होते हैं वो नहीं फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट है, मोस्ट स्ट्रेन ऑफ न्यूड माइस आर स्लाइटली लीक एंड डू हैव ए फ्यू टी सेल्स, फॉर दिस रीजन न्यूड माइस आर लेस पॉपुलर इन रिसर्च टूडे, न्यूड माइस हैव ए स्पॉन्टेनियसली डिलीशन इन द फॉक्स एंड वन जीन, ह्यूमन विद म्यूटेशन इन फॉक्स एंड वन जीन आल्सो आर ए थाइमिक एंड इम्यूनो डेफिशिएंट। अब इस इन लाइन में क्या बताया कि क्या देखा गया कि जो न्यूड माइस की स्ट्रेन है अब वो स्लाइटली लीक होने लग पड़ी, और लीक होने की वजह से क्या होता है उसमें फ्यू टी सेल की फॉर्मेशन होती है, और अगर टी सेल की फॉर्मेशन होगी तो आपको पता है माउस जो है वो इम्यूनो डेफिशिएंट नहीं रहेगा, उसमें इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी विद द हेल्प ऑफ टी हेल्पर सेल के थ्रू, और टी हेल्पर सेल जो है वो किसकी प्रोडक्शन करता है, बी सेल की, और जब बी सेल की प्रोडक्शन होगी तो बी सेल किसको फॉर्म करते हैं, एंटीबॉडी को, ठीक है। तो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होगी तो फिर उस वजह से क्या होता है कि आज के टाइम में ये इतना पॉपुलर नहीं रहा, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि न्यूड माइस एक बहुत ही मतलब जिसको बोलते कॉमन और मोस्ट फेवरेट रिसर्चर का वो होता था न्यूड माइस की, जिसपे किसी भी चीज़ की अगर रिसर्च करनी हो तो। अगर फॉक्स वन जीन की वजह से होता है कि फॉक्स वन जीन डिलीशन होती है न्यूड माउस में क्रोमोसोमन 11 के ऊपर, जिस वजह से वो एथाइमिक होता है। यही जीन अगर ह्यूमन में भी इसमें जीन की म्यूटेशन हो जाए तो ह्यूमन भी एथाइमिक, मतलब ह्यूमन में भी थाइमस एबसेंट हो जाएगा और अम्यूनो डेफिशेंट हो जाएगा, क्योंकि थाइमस ये है जहाँ से इम्यूनिटी की प्रोडक्शन होती है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट, न्यूड माइस आर होमोजाइगस फॉर द फॉक्स एंड वन जीन। न्यूड माइस क्या होता है, होमोजाइगस होता है फॉर फॉक्स एंड वन जीन के लिए। फॉक्स एंड वन एनकोडेड ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर थाइमिक डेवलपमेंट। फॉक्स एंड वन जीन का क्या फंक्शन होता है, फॉक्स एंड वन जीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमें किसके लिए एनकोड होता है, एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये वर्क करता है, क्या करता है, एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो रिक्वायर्ड होता है फॉर द थाइमिक डेवलपमेंट के लिए, मतलब थाइमस की डेवलपमेंट के लिए फॉक्स एक्स वन जीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन न्यूड माइस के केस में फॉक्स एन वन जीन जो होता है वो एबसेंट होता है, और यही अगर जीन ह्यूमन के केस में अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो ह्यूमन भी एथाइमिक हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। बिकॉज द थाइमस फेल टू फॉर्म देयर इज नो प्लेस ऑफ CD4 एंड CD8 टू डिफ्रेंशिएट एंड मिच्योर टी सेल डेफिशिएंट, क्योंकि अगर थाइमस फेल हो जाएगा, अगर थाइमस की फॉर्मेशन नहीं होगी, थाइमस की फॉर्मेशन किसी जीन की वजह से होती है, फॉक्स एंड वन जीन के थ्रू, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है और ये थाइमिक की डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है।
अगर थाइमस फेल हो जाए, अगर थाइमस की फॉर्मेशन ना हो, इस जीन में म्यूटेशन या डिलीशन हो जाए, तो CD4 एंड CD8 जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाते हैं, एंड जिसकी वजह और मेच्योर टी सेल जो होते हैं वो डेफिशिएंट, मेच्योर टी सेल की डेफिशिएंट हो जाती है बॉडी में, चाहे वो न्यूड माउस के केस में हो चाहे ह्यूमन के केस में। हाउएवर दे स्टिल हैव दस दे आर नॉट सुटेबल होस्ट फॉर ब्लड बोन कैंसर सच एज ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। अब न्यूड माइस के केस में क्या होता है कि अगर टी सेल की डेफिशिएंसी होगी तो वो क्या करेंगे, वो सुटेबल होस्ट नहीं रहेंगे ब्लड बोन कैंसर या सच एज ल्यूकेमिया एंड लिम्फोइड को फाइट करने के लिए। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं कैंसर के, ये कैंसर जिस वजह से हमारी कैंसर में वो बीमारी शुरू होते हैं, तो वो इजीली हो जाएगी क्योंकि टी लिम्फोसाइट नहीं होंगे तो वो सुटेबल होस्ट नहीं बना पाएगा ब्लड बोन कैंसर के लिए एज ए ल्यूकेमा एंड लिम्फो के लिए। हमारी बॉडी जो है इम्यूनिटी या कुछ प्रोडक्शन नहीं करेगी, तो इसलिए टी सेल का होना हमारी बॉडी में जरूरी है क्योंकि वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और बी सेल, लेकिन बी सेल यहाँ पे पार्शियली डेवलपमेंट डिफेक्टिव डेवलपमेंट बी सेल की होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये था तब न्यूड माइस के केस में जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में, और मैंने कोशिश की है कि आपको इस जो इस सिलेबस में एक टॉपिक होता है, छोटा सा टॉपिक होता है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत बार इसके जीन्स के ऊपर या स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि जहाँ से जितने क्वेश्चन आते हैं उतना मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, आप इसको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो न्यूड माइस के केस में बन सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने दो जो है वो DBT के सैंपल पेपर से उठाए हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आगे और भी वीडियो आएंगी। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which of the following statement about the nude mice is correct? ये मैंने DBT sample paper से question उठाया है। तो इस तरह के question जो है वो पूछे जाते हैं, और nude mice के case में भी question आ चुके हैं और इसी form में question जो है वो आते हैं। तो question जो है हमारा पहला, उसमें पूछा है कि कौन सी statement जो है वो nude mice के case में correct है। तो first जो है वो है, nude mice are only CD4 and CD8 deficient. न्यूड माइस CD4 और CD8 डेफिशिएंट होते हैं। हाँ जी, हमने अभी पढ़ा, क्योंकि टी सेल जो होते हैं उसमें फॉर्म नहीं होते हैं, टी सेल जो होते हैं वो लैग टी सेल होती है और टी सेल ही प्रोडक्शन करते हैं CD4 एंड CD8, तो उसकी वजह से डेफिशिएंट होते हैं। लेकिन हमें बाकी की स्टेटमेंट भी देखने, क्या पता कुछ किसी स्टेटमेंट कुछ और दिया हो। न्यूड माइस आर डेफिशिएंट फॉर बोथ टी सेल एंड बी सेल, नहीं, सिर्फ न्यूड साइड किसके डेफिशिएंट होते हैं, टी सेल के, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। ठीक है, क्योंकि 20 साल की वो पार्शियली डिफेक्टिव डेवलपमेंट करते हैं, पर करते हैं डेफिशिएंट नहीं होते हैं उससे। ठीक है, न्यूड माइस आर डेफिशिएंट फॉर बी सेल एंड टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल, नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ टी सेल के बारे में पढ़ा। द जीन एनकोडेड दैट कैटालिटिक सब यूनिट ऑफ DNA डिपेंडेंट प्रोटीन, हमने न्यूड माइस के केस में ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा। ये जो स्टेटमेंट है वो तो है SCID माइस की, जो SCID डेफिशिएंट माइस होता है उसकी स्टेटमेंट है, उसमें हम इसको पढ़ेंगे, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा SCD माइस क्या होता है, उसकी डेफिशिएंसी क्या होती है, उसकी स्टेटमेंट है, ना कि न्यूड माइस के केस में। तो ठीक है, तो इस फॉर्म में हमारी जो पहली स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ माइस आर सुटेबल होस्ट फॉर ब्लड बोन कैंसरस सच एज ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, कौन सा माइस जो है वो सुटेबल नहीं होता है होस्ट के लिए ब्लड बोन कैंसर एंड ल्यूकेमिया फोमा के लिए। अभी हमने पढ़ा कौन सा होता है, न्यूड माइस होता है या रैग डेफिशिएंट SCID माइस या हाई ऑर्डर इम्यूनो डेफिशिएंट माइस, इसमें तो हमें पता है कि ये न्यूड माइस होता है, अभी पढ़ा हमने स्टेटमेंट में, जो लास्ट स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। हाउ एवर दिस स्टिल टू नॉट सुटेबल फॉर ब्लड बोन कैंसर सच एज ल्यूकेमिया एंड फिनोमा, क्यों नहीं होता है उसका रीजन भी ऊपर है जो मैंने आपको समझा दिया है, आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आया हो। लेकिन ये जो है RAG रैग डेफिशिएंट माइस जो होता है, या SCID माइस जो होता है, या हाई ऑर्डर इम्यूनो डेफिशिएंट माइस, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं DBT में। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको न्यूड माइस का टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन किया है, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इन तीनों के माइस के बारे में भी मैं आपको
डिस्कस करवाऊंगी, तो आप प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके जीन्स के ऊपर, डीबीटी में बहुत बार क्वेश्चन आया है यहाँ से, और ये डीबीटी एनिमल बायोटेक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगली वीडियो में मैं इन तीनों चीज़ों को कवर करूंगी, और इस वीडियो में मैंने आपको न्यूरोमाइस के बारे में बता दिया और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बता दिया। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।